हेलो एवरीवन, एक बार सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी, लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम चैनल। एक बार सारे बच्चे वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दो। धनंजय, वसुंधरा, अभिनव, हाय। तो आप सभी बच्चे सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर और उससे भी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम लोग 1000 करंट अफेयर एमसीक्यू सीरीज़ करने वाले हैं जनवरी से जुलाई, और ये हम पार्ट 4 करेंगे, ठीक है। मेरा नाम वर्षा सिंह है, मैं आपकी GAGS की मेंटोर हूँ। अभी मेरा अनअकैडमी पे एक फाउंडेशन कोर्स आया हुआ है प्लस पे पॉलिटी का, जो कि 20 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। तो आप सारे बच्चे इस कोर्स में इनरोल कर लेना जिसने अभी तक नहीं किया। ये क्लासेस आपकी 7 PM पे चलती है ट्यूसडे एंड थर्सडे को। अनअकैडमी पे अभी एक नया फीचर आया है, आस्क अ डाउट बाय अनअकैडमी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अनअकैडमी ऐप के थ्रू अपने डाउट पूछ सकते हैं। सारा प्रोसीजर मेंशन है यहाँ पे। अगस्त का ऑफर ये है कि अगर आप प्रॉमिस ऑफर लेते हैं तो आपको 1 साल पे 3 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे और 2 साल पे 6 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे। CET प्रिपरेशन ऑफर में 1 साल पे 6 महीने एक्स्ट्रा और 2 साल में 12 महीने एक्स्ट्रा। 1 साल का प्लान यहाँ पे प्रॉमिस ऑफर का 5850 का है, 2 साल का 7020 का, और CET प्रिपरेशन ऑफर 1 साल का 7999 और 2 साल का 9999 का। तो मेरे हिसाब से तो आपको बेस्ट प्लान पड़ेगा CET प्रिपरेशन ऑफर में 2 साल का प्लान। ये आपको सस्ता भी पड़ेगा और साथ ही साथ आपको इसमें ड्यूरेशन भी काफ़ी अच्छा खासा मिल रहा है। तो इसलिए आप जब भी प्लान लीजिएगा 1 या 2 साल का ही लेना, ठीक है। और SSC कॉम्बैट, जो कि मेगा कॉम्बैट होने वाला है 22 अगस्त को, तो सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करना। लकी विनर्स को इसमें आईपॉड मिनी, एप्पल एयरपॉड, JBL स्पीकर और अमेजोन के वाउचर मिलेंगे। और इसके साथ ही साथ आप लोग जानते हैं कि आपका जो कॉम्बैट होता है उसमें जो रैंक होल्डर्स होते हैं उनको फ्री सब्सक्रिप्शन और डिस्काउंट भी दिया जाता है। तो 50 मिनट का टेस्ट होगा, टोटल 40 क्वेश्चंस होंगे। तो हर एक संडे को आप लोग कॉम्बैट में पार्टिसिपेट ज़रूर किया करो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आय राजन, धनंजय हेलो, आर्यन हेलो, गति भूषण हाय। तो आप लोग कोड वर्षा यूज़ करिएगा कॉम्बैट में इनरोल करने के लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ आपको कॉम्बैट का लिंक मिल जाएगा। सारे बच्चे कॉम्बैट में पार्टिसिपेट ज़रूर करना। अगला कॉम्बैट आपका कल दिन में 12 बजे होने वाला है, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन जब भी लेना तो 12 या 24 महीने का लेना और कोड वर्षा यूज़ करना, इससे आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। तो अभी 1000 करेंट अफेयर MCQ सीरीज़ का पार्ट 4 है, तो चलो अब स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट वॉज रिलीज बाई द 15 स्टेट इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए चालू वित्त वर्ष में 15 राज्यों को कितनी राशि जारी की गई। ऑप्शन ए 5780 करोड़, ऑप्शन बी 5500 करोड़, ऑप्शन सी 5950 करोड़ या ऑप्शन डी 5100 करोड़। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर जल्दी से बता दो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टोटल जो आपके 15 स्टेट को राशि दी गई है वो दी है 5950 करोड़, ठीक है। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 5950 करोड़। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यूनाइटेड स्टेट सीनेट कन्फर्म विच ऑफ द फॉलोइंग एज फर्स्ट फीमेल आर्मी सेक्रेटरी। यूनाइटेड स्टेट सीनेट ने निम्नलिखित में से किसे पहली महिला सेना सचिव के रूप में पुष्टि किया। ऑप्शन ए क्रिस्टीन को, ऑप्शन बी डोना को, ऑप्शन सी क्लारा को या ऑप्शन डी कैथलीन को। क्वेश्चन नंबर सेकेंड करेक्ट आंसर बताइए। बिल्कुल संगीता, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्रिस्टीन वॉर्मथ को, ठीक है। ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्रिस्टीन वॉर्मथ। और सारे बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अकॉर्डिंग टू RBI, वैल्यू एंड वॉल्यूम ऑफ द बैंक नोट इन सर्कुलेशन हैज इंक्रीज्ड बाय व्हाट परसेंट रिस्पेक्टिवली इन 2020 एंड 2021। RBI के अनुसार प्रचलन में बैंक नोटों के मूल्य और मात्रा में 2020-21 में क्रमश कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ऑप्शन ए 16.8% और 7.2%, ऑप्शन बी 13.5% और 6.2%, ऑप्शन सी 14.7% और 6.6%, या ऑप्शन डी 15.3% और 7%। क्वेश्चन नंबर थर्ड, और थर्ड का सभी का आंसर ए आ रहा है एंड ए इज द करेक्ट आंसर, 16.8% एंड 7.2%। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर 2021। संयुक्त राष्ट्र सैनिकों में अंतर्राष्ट्रीय
दिवस 2021 का विषय क्या था बताओ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, तो याद रखिएगा इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर का थीम क्या था, 70 इयर्स ऑफ सर्विस एंड सैक्रिफाइस। ठीक है, फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 70 इयर्स ऑफ सर्विस एंड सैक्रिफाइस। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, एमनेस्टी इंटरनेशनल डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे, एमनेस्टी अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है, ऑप्शन ए 28 मई को, ऑप्शन बी 27 मई को, ऑप्शन सी 20 मई को, या ऑप्शन डी 29 मई को। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फिफ्थ का आंसर सारा भूल गए। तो याद रखिएगा एमनेस्टी डे कब मनाया जाता है, 28 मई को। ठीक है, फिफ्थ का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए 28 मई। क्वेश्चन नंबर सिक्स, टाटा डिजिटल बाइज व्हाट परसेंट ऑफ स्टेक इन बिग बास्केट, टाटा डिजिटल ने बिग बास्केट में कितना प्रतिशत स्टेक खरीदा है, ऑप्शन ए 64%, ऑप्शन बी, एक मिनट रुको, हाँ ऑप्शन बी 62%, ऑप्शन सी 78%, या ऑप्शन डी 96%। क्वेश्चन नंबर सिक्स, तो याद रखना सिक्स का करेक्ट आंसर, बिल्कुल अभिनव अभिषेक आप दोनों का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, 64% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आंसर क्या होगा 64%। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है, ऑप्शन ए 28 मई को, ऑप्शन बी 27 मई को, ऑप्शन सी 20 मई को, या ऑप्शन डी 29 मई को। तो क्वेश्चन नंबर सेवेंथ का जल्दी से आंसर बता दो, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा इंटरनेशनल एवरेस्ट डे आपका 29 मई को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर सेवेंथ करेक्ट आंसर इज डी 29th मई। वीडियो चल रही है क्या, अच्छा वीडियो चल रही है ना, रुक गई थी मेरे फोन में। क्वेश्चन नंबर एट, ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ग्लोबली, विश्व स्तर पर हर साल संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, ऑप्शन ए 28 मई, ऑप्शन बी 27 मई, ऑप्शन सी 20 मई, या ऑप्शन डी 29 मई। तो आपका इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर भी कब मनाया जाता है, 29 मई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर एट करेक्ट आंसर इज डी 29 मई। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कॉमर्स सेक्रेटरी, वाणिज्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ऑप्शन ए वी वी आर सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी प्रदीप कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन सी अजय सेठ, या ऑप्शन डी सुधांशु पांडे। तो 64% भी सारे अटके हुए हो, आगे का तो कमेंट दो। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ बिल्कुल करेक्ट है, नाइन्थ का सुधांशु पांडे को नहीं किया गया है धनंजय, आंसर हो जाएगा वी वी आर सुब्रमण्यम। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर टेंथ, अकॉर्डिंग टू द आरबीआई रिपोर्ट, फ्रॉड रिपोर्टेड बाय द बैंक हैज फेल बाय व्हाट परसेंट इन द वैल्यू टर्म टू रुपीज 1.38 लाख करोड़ इन 2020 एंड 2021, ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 55%, ऑप्शन सी 67%, या ऑप्शन डी 47%। और सुरेंद्र नाथ आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट था। तो क्वेश्चन नंबर टेंथ याद रखिएगा, आरबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से जो फ्रॉड बैंकों में कम हुआ है वो कितना हुआ है, 25%। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ, बशर अल अशाद हैज बीन री इलेक्टेड फॉर द फोर्थ टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, बशर अल अशद को चौथे कार्यकाल के लिए किस देश के राष्ट्रपति के रूप से फिर से चुना गया, ऑप्शन ए अल्जीरिया, ऑप्शन बी इजिप्ट, ऑप्शन सी सीरिया, या ऑप्शन डी लीबिया। जल्दी से आंसर दो, इसमें धनंजय मई मंथ के है ज़्यादातर क्वेश्चन, इसमें मई मंथ के ज़्यादा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर इलेवंथ का आंसर दीजिए, बिल्कुल अमित और मोनोवर आप दोनों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, सीरिया। अभिषेक चौबे का भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, सीरिया इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ, सांग इन हंग हैज़ रिकॉर्डेड वर्ल्ड फास्टेस्ट एसेंट ऑफ एवरेस्ट बाई अ वुमेन इन जस्ट 26 आवर, शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री, ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी सिंगापुर, या ऑप्शन डी हांगकॉन्ग। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ, तो गति भूषण का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, आंसर इज डी हांगकॉन्ग। ठीक है, ट्वेल्थ का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हांगकॉन्ग।
क्वेश्चन नंबर 13, लॉरेंस डेस कार्स मेक्स हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ द लॉव म्यूजियम, वेयर इज लॉवर म्यूजियम लोकेटेड? लॉरेंस डेस कार्स ने लॉवर संग्रहालय की पहली महिला प्रमुख बनकर इतिहास रच दिया है, लॉवर संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए इटली में, ऑप्शन बी स्पेन में, ऑप्शन सी फ्रांस में, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड में। मई का रिवीजन किया नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ ही से पढ़ो तो आंसर याद रखिएगा। तो आपका लॉवर म्यूजियम कहाँ पे है? पेरिस फ्रांस में, ठीक है। और इसकी पहली महिला चीफ कौन बन गई? लॉरेंस डी कार्स, ठीक है। तो 13th करेक्ट आंसर इज सी, पेरिस। और सारे स्टूडेंट एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो सबसे पहले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 14, हु आर द इंडियन पीस कीपर्स टू बी ऑनर्ड विद द UN प्रेस्टिजियस मेडल? संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित होने वाले भारतीय शांति रक्षक कौन हैं? ऑप्शन ए इवान माइकल, ऑप्शन बी मूलचंद यादव, ऑप्शन सी कॉर्पोरल युवराज सिंह, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। याद रखिएगा कि तीनों को ही क्या मिला था? UN का प्रेस्टिजियस मेडल। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सोनू सेन, हेलो। क्वेश्चन नंबर 15, द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर हैज गिवन 1 year एक्सटेंशन टू द समंता गोयल, ही इज द चीफ ऑफ? ऑप्शन ए इंटेलिजेंस ब्यूरो, ऑप्शन बी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऑप्शन सी इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया, या ऑप्शन डी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो आपके जो समंता गोयल है वो किसके थे? RAW के, यानी कि रॉ के। तो 15th करेक्ट आंसर इज डी, रॉ। क्वेश्चन नंबर 16, अ न्यू बुक टाइटल 7 लेसन फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपीडिशन लर्निंग फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस हैज बीन ऑथर्ड बाय होम? ऑप्शन ए वैभव शर्मा, ऑल इज द करेक्ट आंसर। 60 क्वेश्चन है अभिनव टोटल अभी, ठीक है। और अभी सभी बच्चों ने वाईफाई स्टडी वाली क्लास देखी थी आप लोगों ने? तो यहाँ पे पूछा गया है 7 लेसन फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपीडिशन लर्निंग फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस, ये किसकी किताब है? तो याद रखिएगा ये किताब है आदित्य गुप्ता की। तो क्वेश्चन नंबर 16 करेक्ट आंसर इज बी, आदित्य गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव रिसेंटली पार्टनर टू इम्प्लीमेंट द वन धन योजना ट्राइबल क्लस्टर ऑफ ऑल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारत के सभी आकांक्षी जिलों के जनजातीय समूह व वन धन योजना को लागू करने के लिए भागीदारी की? ऑप्शन ए नीति आयोग ने, ऑप्शन बी ट्रिफेड ने, ऑप्शन सी ट्रिफेड और नीति आयोग ने, या ऑप्शन डी नाफेड और ट्रिफेड ने। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सी, ट्रिफेड एंड नीति आयोग ने, ठीक है। 12:30 पे कहाँ बोला था जॉर्डन? मैंने 12:15 टाइम था ना, कि 12 बजे का ही टाइम था। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? तो सारे स्टूडेंट एक बार वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर देना। तो महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18, तो याद रखिएगा इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ आपका कब मनाया जाता है? 28 मई को, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का, तो सी याद रखिएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च स्मार्ट किचन स्कीम? किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्मार्ट किचन योजना की शुरुआत की? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी कर्नाटका, या ऑप्शन डी तेलंगाना। तो स्मार्ट किचन किसने स्टार्ट किया? याद रखिएगा स्मार्ट किचन अभी हाल ही में स्टार्ट किया है केरला ने, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, केरला होगा आपका करेक्ट आंसर। और सभी का केरला बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, विच बैंक हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ यूनिक फैसिलिटी ऑफ लिंकिंग अ UPI ID टू ऑल डिजिटल वॉलेट पॉकेट? हाल ही में किस बैंक ने अपने डिजिटल वॉलेट पॉकेट से UPI ID को जोड़ने की एक अनूठी सुविधा शुरू करने की घोषणा की? ऑप्शन ए ICICI बैंक, ऑप्शन बी एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी SBI, ऑप्शन डी HDFC। क्वेश्चन नंबर 20, तो याद रखिएगा 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्डन का आंसर सबसे पहले आया है, संगीता का भी आंसर सबसे पहले आ गया, आंसर इज ICICI बैंक, ठीक है। ICICI बैंक इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 21, हु हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन ए जगजीत पवाड़िया, ऑप्शन बी जयराम पवाड़िया, ऑप्शन सी जगजीत पंडित या ऑप्शन डी जयराम पांड्या। याद रखिएगा, अभी प्रेसिडेंट इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की कौन बनी? जगजीत पवाड़िया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 करेक्ट आंसर इज ए जगजीत पवाड़िया। वसुंधरा, जॉर्डन, चमोली, सबका आंसर बिल्कुल ठीक है। दिनेश का भी आंसर बिल्कुल ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। आर्यन का भी आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है। क्वेश्चन नंबर 22, विच स्टेट हैज अपॉइंटेड गार्जियन मिनिस्टर टू ओवरसी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी सिक्किम या ऑप्शन डी असम। क्वेश्चन नंबर 22, तो अभी गार्जियन मिनिस्टर को किस स्टेट ने अपॉइंट किया? तो याद रखिएगा, गार्जियन मिनिस्टर को असम ने अपॉइंट किया। तो क्वेश्चन नंबर 22 करेक्ट आंसर इज डी असम। और मोनोवर, जॉर्डन, अभिनव, आप सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी हैज कॉन्स्टिट्यूटेड एन एक्सपर्ट कमिटी ऑन इन्वेस्टमेंट फंड, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ दिस कमिटी? ऑप्शन ए अजय बग्गा, ऑप्शन बी रिधिमा देसाई, ऑप्शन सी शंकरन नरेन या ऑप्शन डी नीलेश शाह। क्वेश्चन नंबर 23, तो आर्यन देव का आंसर सबसे पहले आया, आंसर इज डी नीलेश शाह। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी के अभी चेयरपर्सन कौन है? नीलेश शाह। तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, वर्ल्ड हंगर डे ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? विश्व भूख दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 मई को, ऑप्शन बी 29 मई को, ऑप्शन सी 27 मई को या ऑप्शन डी 28 मई को। तो विश्व, दिनेश एक मिनट रुक जाओ, तुम इसको करती हूँ ब्लॉक, करवाती हूँ, मतलब मैं तो नहीं कर पाऊँगी, मैं करवा रही हूँ ब्लॉक। वैसे आप लोग रिपोर्ट कर दिया करो, जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है ना तो रिपोर्ट कर दियो करो, ठीक है। अभी हो जाएगा ब्लॉक वो, ठीक है। अब आप लोग आंसर दीजिए, वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 बिल्कुल करेक्ट है, आंसर इज डी 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है। अभी अभी ना हो जाएगा ब्लॉक, परेशान मत हो। क्वेश्चन नंबर 25, विच बैंक हैज नाउ बिकम द फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक टू ऑफर इट्स NRI कस्टमर सेगमेंट द ईज ऑफ अकाउंट ओपनिंग ऑनलाइन? कौन सा बैंक अब अपने NRI ग्राहक वर्ग को ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा प्रदान करने वाले लघु वित्त बैंक बन गया है? ऑप्शन ए जनलक्ष्मी बैंक, ऑप्शन बी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन सी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक या ऑप्शन डी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्वेश्चन नंबर 25 बिल्कुल करेक्ट है, 25 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, यहाँ पे पूछा गया है पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक जो NRI कस्टमर को प्रोवाइड करेगा, डी नहीं होगा, आंसर इज सी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इक्विटास, और दीपा मिश्रा का आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मेनी इंडियन स्टार्टअप कंपनी हैव रिसेंटली क्रॉस्ड द वैल्यूएशन ऑफ $1 बिलियन इन 2021? कितनी भारतीय स्टार्टअप कंपनियों ने हाल ही में 2021 में $1 बिलियन के मूल्यांकन को पार किया है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16 या ऑप्शन डी 18। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 26, तो 26 का सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, ए 12। पुष्कर ने सबसे पहले आंसर दिया है, तो 12 आंसर करेक्ट है। 12 ऐसी स्टार्टअप कंपनियां हैं जिसने 2021 में कितना क्रॉस कर लिया वैल्यूएशन, मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन का। क्वेश्चन नंबर 27, HS Doraiswamy passed away recently, he was a HA Doraiswamy का हाल ही में निधन हो गया, वो क्या थे? ऑप्शन ए फ्रीडम फाइटर, ऑप्शन बी फुटबॉलर, ऑप्शन सी पॉलिटिशियन या ऑप्शन डी एक्टर। क्वेश्चन नंबर 27, HS Doraiswamy जिनका हाल ही में निधन हो गया वो क्या थे?
याद रखिएगा वो क्या थे, फ्रीडम फाइटर थे। और सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, आप सभी ने फ्रीडम फाइटर ही आंसर दिया है। और अभिनव शर्मा ने सबसे पहले आंसर दिया है फ्रीडम फाइटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, चीता द वर्ल्ड फास्टेस्ट लैंड एनिमल विच वॉज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया इन 1952 इज एक्सपेक्टेड टू बी री इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री इन नवंबर दिस ईयर एट द कूनो नेशनल पार्क। वेयर इज कूनो नेशनल पार्क लोकेटेड? ऑप्शन ए यूपी, ऑप्शन बी एमपी, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 28 तो आपसे सीधा पूछा है कि कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है आपके। बिल्कुल करेक्ट, जॉर्डन, दिनेश, राजन, चमोली, वसुंधरा, अमन, अभिनव, आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। तो 28 करेक्ट आंसर इज बी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 29, गुलेर्मो लासो हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? गुलेर्मो लासो किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए? ऑप्शन ए मॉरिटेनिया, ऑप्शन बी चैड, ऑप्शन सी इक्वाडोर या ऑप्शन डी बेनिन। क्वेश्चन नंबर 29 तो याद रखिएगा, 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? गुलेर्मो लासो नए प्रेसिडेंट किस कंट्री के बन गए? तो ये बन चुके हैं इक्वाडोर के। तो सी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 29 करेक्ट आंसर इज सी। और सभी का आंसर, राजन का, अभिनव का, संगीता का, जॉर्डन का, दिनेश का, सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, इक्वाडोर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, हु वाज कन्फर्ड विद द प्रेसिडेंट अवार्ड बाय द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन थ्रू द 47th FIH कांग्रेस? ए श्रीकांत कुमार, बी विजय कुमार एमआर, सी के वी पांड्यान या डी वी कार्तिकेय पांड्यान। क्वेश्चन नंबर 30 तो आपसे पूछा गया है कि आपके 47th FIH कांग्रेस में किसे प्रेसिडेंट अवार्ड दिया गया है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा? तो आंसर याद रखिएगा वी कार्तिकेयन पांड्यान को। ठीक है, तो वी के पांड्यान को ये अवार्ड दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 30 करेक्ट आंसर इज डी, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, संगीता भारद्वाज ने सबसे पहले दिया आंसर और डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली ऑर्गेनाइज द सीरीज ऑफ 5 वेबिनार अंडर द थीम वी विद योगा बी एट होम? हाल ही में किस मंत्रालय ने वी विद योगा बी एट होम विषय के तहत 5 वेबिनार की श्रृंखला का आयोजन किया है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष या ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 31 पांड्यान, वी के पांड्यान इज द करेक्ट आंसर। याद रखना अभी जो 5 वेबिनार अंडर द थीम बी विद योगा बी एट होम स्टार्ट किया था, ये किया था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। तो सी इज द करेक्ट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। और अभी आयुष मिनिस्टर कौन बन गए? सर्वनंदा सोनवाल। ठीक है, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 32, कोलोनल पंजाब सिंह पास्ड अवे रिसेंटली, विच ऑपरेशन इज रिलेटेड टू कोलोनल पंजाब सिंह? कोलोनल पंजाब सिंह का हाल ही में निधन हो गया, कर्नल पंजाब सिंह का संबंध किस ऑपरेशन से था? ए ऑपरेशन कैक्टस लिली से, बी ऑपरेशन ब्लू मून से, सी ऑपरेशन विजय से या डी ऑपरेशन ब्लू स्टार से। क्वेश्चन नंबर 32, हाँ आयुष मिनिस्ट्री इज द करेक्ट आंसर। और एक बार सारे बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो आप लोग। तो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, कैक्टस लिली। ठीक है, ऑपरेशन कैक्टस लिली इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, फिल माइकलसन हैज रिसेंटली क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द ओल्डेस्ट प्लेयर टू क्लिंच मेजर टाइटल, ही इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स इवेंट? फिल मिकेलसन ने हाल ही में प्रमुख खिताब हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया है, वो किस खेल के आयोजन से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए बैडमिंटन से, ऑप्शन बी हॉकी से, ऑप्शन सी टेनिस से या ऑप्शन डी गोल्फ से। क्वेश्चन नंबर 33 बिल्कुल करेक्ट है आंसर, सबसे पहले दिया जॉर्डन ने, उसके बाद दिनेश ने और आंसर इज गोल्फ। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, विच कंट्री इज डिजाइनिंग अ न्यू अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी टू गाइड एफर्ट रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मिटिगेशन? जलवायु परिवर्तन और आपदा न्यूनीकरण से संबंधित प्रयासों का मार्गदर्शन करने के लिए कौन सा देश एक नई पृथ्वी प्रणाली वेधशाला तैयार कर रहा है? ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी रशिया या ऑप्शन डी चाइना। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए, कौन नया अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी डिजाइन कर रहा है? तो आंसर इज बी यूएसए। ठीक है, कौन कर रहा है? यूएसए इज द करेक्ट आंसर। और सबसे फास्ट आंसर जॉर्डन का ही आता है।
और संगीता का भी आंसर बिल्कुल ठीक है, गति भूषण नायक का भी आंसर बिल्कुल ठीक है, यूएसए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, कैबिनेट अप्रूव ओपनिंग ऑफ अ न्यू कंसल्टेट जनरल ऑफ इंडिया इन आडू सिटी इन विच प्लेस। आडू शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास को कैबिनेट ने किस स्थान पर खोलने की मंजूरी दे दी? ऑप्शन ए भूटान में, ऑप्शन बी बांग्लादेश में, ऑप्शन सी मालदीव्स में, या ऑप्शन डी ओमान में। तो आडू सिटी आपका कहाँ पे है? गुरसिमरन का आंसर बी लास्ट वाले क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका आडू सिटी कहाँ पे है बताइए? तो आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आंसर क्या हो जाएगा? मालदीव्स में। ठीक है, आडू सिटी आपका कहाँ पे पड़ता है? मालदीव्स में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 36, अकॉर्डिंग टू SBI रिसर्च, व्हाट इज इंडियाज इकॉनमी मे हैव कॉन्ट्रैक्टेड इन फाइनेंशियल ईयर 2021। SBI के शोध के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था में क्या संकुचन हो सकता है? ऑप्शन ए 7.3% का, ऑप्शन बी 3.3% का, ऑप्शन सी 8.3% का, या ऑप्शन डी 7.5% का। क्वेश्चन नंबर 36 बिल्कुल 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा SBI के अकॉर्डिंग? 7.3% का। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, NPCI पार्टनर विद विच कंपनी टू हेल्प मर्चेंट एक्सेप्ट कॉन्ट्रैक्टलेस पेमेंट इन इंडियन शॉप्स। भारतीय दुकानों में व्यापारियों को संपर्क रहित भुगतान स्वीकार करने में मदद करने के लिए NPCI ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की? ऑप्शन ए पेपल के साथ, ऑप्शन बी स्ट्राइप के साथ, ऑप्शन सी पे कोर के साथ, या ऑप्शन डी एप्पल पे के साथ। क्वेश्चन नंबर 37, तो याद रखिएगा 37 का एडिटर बॉय का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो 37 करेक्ट आंसर इज पे कोर। ठीक है, पे कोर इज द करेक्ट आंसर, और जॉर्डन का आंसर केवल सही आया है पे कोर, और दीपा मिश्रा का, दीपा मिश्रा और जॉर्डन सिर्फ दो बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम? मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नया नाम क्या है? ऑप्शन ए महिंद्रा हॉकी इंटरनेशनल स्टेडियम, ऑप्शन बी सुरजीत हॉकी इंटरनेशनल स्टेडियम, ऑप्शन सी मेजर ध्यानचंद इंटरनेशनल स्टेडियम, या ऑप्शन डी ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। तो अब मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम चेंज होकर के क्या हो गया है? ऑप्शन डी ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम। तो डी इज द करेक्ट आंसर। मोहित शर्मा का आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है। क्वेश्चन नंबर 39, वैशाख द डे ऑफ फुल मून इन द इज द मोस्ट सेक्रेड डे टू बुद्धिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। वैशाख डे 2021 इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन विच डे। इस क्वेश्चन को स्किप कर दो, ये नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 40, विच कंपनी हैज बैग्ड द गोल्ड स्टीव अवार्ड 2021। किस कंपनी ने गोल्ड स्टीव अवार्ड 2021 जीता? ऑप्शन ए इंदुलेखा, ऑप्शन बी हिंदुस्तान लिमिटेड, ऑप्शन सी भारत बायोटेक, या ऑप्शन डी स्पाइस हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 40, तो आपके किस कंपनी ने गोल्ड स्टीव अवार्ड 2021 का खिताब जीता? तो आंसर हो जाएगा इसका डी स्पाइस हेल्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 करेक्ट आंसर इज डी स्पाइस हेल्थ ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 41, हु हैज बीन अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन? केंद्रीय जांच ब्यूरो का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए KR चंद्रा को, ऑप्शन बी VS कौमुदी को, ऑप्शन सी सुबोध जायसवाल को, या ऑप्शन डी विनय कुमार चौबे को। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर दो। तो 41 का सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, आंसर इज सी। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर, सुबोध जायसवाल। ठीक है, सुबोध जायसवाल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, बार्कले हैज प्रोजेक्टेड इंडियाज GDP ग्रोथ एट व्हाट परसेंट इन फाइनेंशियल ईयर 2022। और मैंने क्योंकि अभी बताया है कि इसमें मई के करंट अफेयर है, तो मई में जो सारे लोग प्रोजेक्शन कर रहे थे, इसीलिए कर रहे थे क्योंकि अप्रैल में आपका सेकेंड वेव आया था। ठीक है, इसलिए आपके प्रोजेक्शन के क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। तो ऑप्शन ए 7.7%, ऑप्शन बी 9.9%, ऑप्शन सी 6.6%, या ऑप्शन डी 5.5%। क्वेश्चन नंबर 42, और 42 सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो बार्कले के अकॉर्डिंग 7.7%, तो 42 करेक्ट आंसर इज ए। 43rd, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया हैज ग्रू 19% टू हाउ मच अमाउंट इन 2020 एंड 2021। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2020-21 में 19% बढ़कर कितनी राशि हो गया है? ऑप्शन ए $59.64 बिलियन, ऑप्शन बी $25.36 बिलियन, ऑप्शन सी $91.34 बिलियन, या ऑप्शन डी
34.44 बिलियन। क्वेश्चन नंबर 43। बिल्कुल 43। आपका जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में बढ़ करके 19% हो गया है वो कितने के बराबर हो गया? 59.64 बिलियन के। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वैभव, जॉर्डन, अमित, संगीता, सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है ए। क्वेश्चन नंबर 44। विच कंट्री इंडिया हैज साइंड अ 3-ईयर प्रोग्राम फॉर कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर? किस देश के साथ भारत ने कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्षीय कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए इसराइल, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी सऊदी अरेबिया या ऑप्शन डी दोबारा से इराक हो गया, इसको बांग्लादेश कर दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए। तो 44 का सभी का आंसर ए आ रहा है एंड ए इज द करेक्ट आंसर, इसराइल। ठीक है, इसराइल इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल इसराइल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45। Who has chaired the 74th World Health Assembly? 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए हर्षवर्धन ने, ऑप्शन बी अश्विनी कुमार चौबे ने, ऑप्शन सी टेड्रस एधनम ने या ऑप्शन डी श्रीपद यस्सो नायक ने। क्वेश्चन नंबर 45। तो 45 एकदम कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली अगर पूछा गया है तो जो आपके फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर थे डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने किया था। क्वेश्चन नंबर 46। ली इवान द रिकॉर्ड सेटिंग US ओलंपिक स्प्रिंटर डाइड एट 74। ही वॉज अ रिनोन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? रिकॉर्ड सेटिंग अमेरिकी ओलंपिक धावक ली इवान्स का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध थे? ऑप्शन ए क्लाइंबर, ऑप्शन बी बॉक्सर, ऑप्शन सी स्प्रिंटर या ऑप्शन डी शूटर। क्वेश्चन नंबर 46। तो बिल्कुल मोहित शर्मा का सबसे पहले आंसर आया और आंसर इज स्प्रिंटर थे। क्या थे वो? एक धावक थे। क्वेश्चन नंबर 47। कॉलिनेट मोकोसो हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच प्लेस? कॉलिनेट मोकोसो को हाल ही में किस स्थान के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी मोरक्को, ऑप्शन सी रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो या ऑप्शन डी नाइजर। तो क्वेश्चन नंबर 47 और 47 का सभी का आंसर सी आ रहा है, संगीता, दिनेश, सुरेंद्रनाथ, मोहित, जॉर्डन, वैभव, एंड सी इज द करेक्ट आंसर, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। क्वेश्चन नंबर 48। हु हैज क्लिंच्ड द जिनेवा ओपन 2021? जिनेवा ओपन 2021 किसने जीता? ऑप्शन ए डियोगो ने, ऑप्शन बी रफाल ने, ऑप्शन सी कैस्पर ने या ऑप्शन डी नेनिस ने। क्वेश्चन नंबर 48। तो 48 का भी सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, दीपा का, दिनेश का, प्रिंस का, एडिटर बॉय, वैभव, जॉर्डन, एंड सी इज द करेक्ट आंसर, कैस्पर रूट ने जीता है आपका जिनेवा ओपन 2021 का खिताब। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49। रिसेंटली डेविड बार्निया हैज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द मोसाद? विच नेशन स्पाई एजेंसी इज मोसाद? हाल ही में डेविड बर्निया को मोसाद का मुखिया नियुक्त किया गया है, मोसाद किस देश की जासूसी एजेंसी है? ऑप्शन ए इसराइल की, ऑप्शन बी ईरान की, ऑप्शन सी इराक की या ऑप्शन डी इनमें से किसी की भी नहीं। तो 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 49 का सॉरी? बिल्कुल करेक्ट, मोसाद आपकी किसकी स्पाई एजेंसी है? इसराइल की। ठीक है, तो 49th करेक्ट आंसर इज ए इसराइल। तो सभी का आंसर इसराइल बिल्कुल करेक्ट है। और एक बार सारे बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 50। विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च चीफ मिनिस्टर वत्सल्य योजना फॉर ऑर्फेंड चिल्ड्रन? हाल ही में किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की? ऑप्शन ए उत्तराखंड ने, ऑप्शन बी झारखंड ने, ऑप्शन सी सिक्किम ने या ऑप्शन डी नागालैंड ने। क्वेश्चन नंबर 50। तो 50 का सभी का आंसर उत्तराखंड आ रहा है, संगीता, सरोज, सुरेंद्रनाथ और भी बाकी बच्चों का, अभिनव का, चमोली का, एंड ए इज द करेक्ट आंसर। किसने स्टार्ट किया था? उत्तराखंड ने स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 51। विच इंस्टीट्यूशन हैज रिसेंटली प्रपोज्ड अ $50 बिलियन ग्लोबल वैक्सीनेशन प्लान डैट वुड कवर एटलीस्ट 40% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन बाय द एंड ऑफ 2021? हाल ही में किस संस्थान ने $50 अरब की वैश्विक टीकाकरण योजना प्रस्तावित की है जो 2021 के अंत में वैश्विक आबादी के कम से कम 40% को कवर करेगी? ऑप्शन ए IMF ने, ऑप्शन बी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, ऑप्शन सी WHO ने या ऑप्शन डी नन ने। क्वेश्चन नंबर 51। तो 51 का सभी का, वैभव का, शोमेन का, संगीता का, जॉर्डन का, बींग विश्नोई का, सबका आंसर ए है एंड ए इज द करेक्ट आंसर, IMF। ठीक है,
51 करेक्ट आंसर इज IMF. क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ राम लक्ष्मण आका विजय पाटिल हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली. राम लक्ष्मण आका विजय पाटिल जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस चीज से संबंधित थे? बताओ. क्वेश्चन नंबर 31 का रॉन्ग लग रहा है अब तो, 31 काफी पीछे रह गया. तो क्वेश्चन नंबर 52, विजय पाटिल आपके क्या थे? विजय पाटिल में तो मुझे भी थोड़ा डाउट है, एक बार इसको चेक करना पड़ेगा. विजय पाटिल का प्लीज आप एक बार चेक करना कि म्यूजिक डायरेक्टर थे या एक्टर थे. क्वेश्चन नंबर 52 एक बार चेक कर लेना आप लोग, 52 का, कि म्यूजिक डायरेक्टर थे या एक्टर थे या दोनों ही थे. इसको प्लीज आप लोग एक बार चेक करिएगा क्या थे, वो एक्टर थे या दोनों ही थे. तब तक आगे बढ़ते हैं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 53, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट. ऑक्सफोर्ड छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन ए रश्मि त्रिपाठी को, ऑप्शन बी अनवी भूटानी को, ऑप्शन सी विक्रम वर्मा को या ऑप्शन डी अमित सिंह को. क्वेश्चन नंबर 53, जॉर्डन एक बार तुम ही चेक करो तो क्या थे वो, एक बार नेट पे चेक करना. क्वेश्चन नंबर 53, बिल्कुल अनवी भूटानी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट किसे चुना गया? अनवी भूटानी को. क्वेश्चन नंबर 54, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च संजीवनी परियोजना टू ट्रीट COVID-19 पेशेंट एट होम. हाल ही में किस राज्य ने घर पर कोविड रोगियों के इलाज के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की? ऑप्शन ए पंजाब ने, ऑप्शन बी हरियाणा ने, ऑप्शन सी आसाम ने, ऑप्शन डी केरला ने. क्वेश्चन नंबर 54, बिल्कुल करेक्ट आंसर इज हरियाणा, ठीक है. संजीवनी परियोजना की शुरुआत किसने की? हरियाणा ने. तो 54th करेक्ट आंसर इज बी. 55, इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन विच डे. अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 मई को, ऑप्शन बी 23 मई को, ऑप्शन सी 24 मई को या ऑप्शन डी 25 मई को. क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर बताओ. तो इरफान यादव का आंसर सबसे पहले आया, आंसर इज डी 25 मई, ठीक है. इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है? 25 मई को. तो 55 का आंसर हो जाएगा डी. क्वेश्चन नंबर 56, वर्ल्ड थायराइड डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन विच डे एवरी ईयर. विश्व थायराइड दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 मई, ऑप्शन बी 23 मई, ऑप्शन सी 24 मई, ऑप्शन डी 25 मई. क्वेश्चन नंबर 56, जो वसुंधरा, सुरेंद्र, संगीता, दिनेश, प्रिंस, जॉर्डन, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है. आंसर इज डी 25 मई को, ठीक है. मोहित शर्मा आंसर 25 होगा. आई राजन यादव का भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज द थीम ऑफ द कॉमनवेल्थ डे 2021? राष्ट्र मंडल दिवस 2021 का थीम क्या था? ऑप्शन ए टुवर्ड्स अ कॉमन फ्यूचर, ऑप्शन बी अ यंग कॉमनवेल्थ, ऑप्शन सी डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर या ऑप्शन डी अ कनेक्टेड कॉमनवेल्थ. क्वेश्चन नंबर 57th, तो 57th का आपसे पूछा गया है. तो यहां पे पूछा गया है कॉमनवेल्थ डे थीम 2021, आंसर इज सी, ठीक है. सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 58, इन इंडिया कॉमनवेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे. भारत में राष्ट्रमंडल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 मई, ऑप्शन बी 22 मई, ऑप्शन सी 24 मई, ऑप्शन डी 26 मई. क्वेश्चन नंबर 58, तो आपके भारत में कॉमनवेल्थ डे कब मनाया जाता है? याद रखिएगा सी 24 मई को, ठीक है. तो 24 मई इज द करेक्ट आंसर. अमन पाल का 57th का, संगीता का बिल्कुल ठीक था 57th का, वैभव और ध्रुव का भी आंसर बिल्कुल ठीक था. तो 58 करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत में कॉमनवेल्थ डे कब मनाया जाता है? 24 मई को. तो सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 59, हु अवॉर्डेड एज द इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2020? ए
नकलू फॉर्म, बी रुमाना सिन्हा, सी शाजी एन एम बताइए, या डी नन। क्वेश्चन नंबर 59th, तो एडिटर बॉय का आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है, शाजी एन एम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड किसे दिया गया? शाजी एन एम को दिया गया, तो सी इज द करेक्ट आंसर। गति भूषण का भी आंसर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, वेयर इज द वर्ल्ड बिगेस्ट आइसबर्ग लोकेटेड, विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए वेडल सी में, ऑप्शन बी रॉस सी में, ऑप्शन सी एमंड्स सीन में, या ऑप्शन डी सारगासो सी में। क्वेश्चन नंबर 60, तो 60 बिल्कुल करेक्ट है आंसर। 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सबसे बड़ा आइसबर्ग आपके कहाँ पे है? वेडल सी में, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही था। सारे बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, ठीक है, और सभी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, GA/GS/Varsha Singh। ठीक है, GA/GS/Varsha Singh ये टेलीग्राम का चैनल है, तो सभी इससे जुड़ जरूर जाना ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन और PDF मिल जाए। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। टाटा एवरीवन, टेक केयर, बाय। अभी और क्वेश्चन है, अच्छा इसको रहने दो, इसको बाद में कर लेंगे हम लोग। तो अगर आपको कुछ भी वीडियो में इनअप्रोप्रिएट लगता है तो आप रिपोर्ट कर देना वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा करके। और अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मिलते हैं अगली क्लास में। अभी ना अभी क्लास एक और होगी, तो उस क्लास के चक्कर में मुझे ये क्लास बंद करनी पड़ रही है। ठीक है, तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। अगली क्लास में मिलेंगे, आपको अपडेट मिल जाएगी टेलीग्राम पे। ठीक है, तो बाय एवरीवन, टेक केयर। और सभी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना आप लोग।